आप लोगों से कुछ कहना ये चाहता हूँ, थोड़ा सा टीचर वाले रूप से हट के गार्जियन रूप में आते हैं। आप तो अपने घर की एक सम्मानित परिवार की लड़कियां हो, है ना, और आप लोगों के भी सपने होंगे कुछ बनने के, है ना। कितने लोग सपने हैं, सब सोचते हो कुछ कुछ बनेंगे, लेकिन बनोगे कैसे? जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज के साथ साथ आपके टीचर्स का गाइडेंस भी, आप लोग लकी हो कि आप लोगों को टीचर्स मिले हुए हैं। प्लस माइनस हो सकता है, कहीं कुछ प्लस में कोई टीचर किसी प्लस में रहते हैं ना, कि भाई हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स होते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट का टीचर अपने सब्जेक्ट में धुरंधर ही होते हैं। तो मैं फिजिक्स का हूँ, मेरी केमिस्ट्री कमजोर होगी, जो केमिस्ट्री के हैं उनकी फिजिक्स थोड़ी वीक हो सकती है, थोड़ा सा मतलब ऐसा जीरो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे तालमेल बिठाते हुए सबसे जितना मिल सके आप लूट लो। नॉलेज है ना, नॉलेज को जितना आप खींच सको खींच लो, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है जिस स्तर पर मिल रहा है। आप ये मत देखोगे आप दिल्ली नहीं जा पाए या कहीं दूर नहीं जा पाए, आप जहां हो वहीं अपना झंडा गाड़ो, क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को साबित कर दिया ना, तो आपके टीचर्स आपके लिए जी जान लगा देंगे, लगाते ही हैं। आप ही लोगों के लिए तो अपना दिन दिन भर का समय दे रहे हैं, चाहे जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही लोगों का भला दिमाग में बैठा हुआ है सब लोगों के। ठीक, अब ये चूंकि हम लोग एक परिवार ही तो है, कभी आपको लगता होगा कि टीचर्स जो है आपके साथ ज्यादा व्यवहार सही नहीं रख रहे हैं, या आपके साथ आप पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी सोचें आ जाती हैं। आप ऐसी सोचें आपको घर पे भी आती रहेंगी, ऐसी सोचें इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोग एक परिवार है, फैमिली है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने टीचर्स चाहे जैसे हैं या माता पिता चाहे जैसे भी हैं, आप उनका रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, और उसे जितना मिल सके आप उनको लेने की कोशिश कीजिए। हमारी आपकी मुलाकात पता नहीं होगी कभी कि नहीं होगी, लेकिन बस इतना कहूंगा कि कुछ बन, जो चीज आप बनना चाहते हो उसके लिए जी जान लड़ा दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तब तक चलते रहो जब तक वो हासिल ना हो जाए। ठीक है, और लड़कियों को अपना लक्ष्य हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं बॉयज के साथ भेदभाव कर रहा हूं, बॉयज की अपनी जिम्मेदारी है, लड़कियों की अपनी जिम्मेदारी है। अगर एक लड़की पढ़ी लिखी किसी परिवार में पहुंच गई तो पूरा उसका 6-7 पुश्तें जो है सुधर जाती है, इसलिए लड़कियों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग से मेरी ये इच्छा यही है कि आप लोग अपना लक्ष्य चुनिए और उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि आप लोग उम्र के उस दौरान मतलब उस पड़ाव पे आ चुके हो जहां पे सब बातें आती हैं, आपने देखा होगा हमारे आस पास पड़ोस में कहीं कहीं सुसाइड पॉइंट हो जाती है ना, क्यों होता है? तो सुसाइड मतलब कि जो चीज हमने चाहा वो चीज हासिल नहीं हुआ। तो जिंदगी हासिल करने का ही नाम नहीं है, दान करने का भी नाम है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं मिला कोई बात नहीं है, वेट करो उससे बेहतर मिलेगा। ये जीवन संघर्ष है, युद्ध है, आपको लड़ना पड़ेगा, आप हार नहीं सकते। इसलिए इसको मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं, नेगेटिव हो गए, तो लोग अक्सर झूलने चल देते हैं, झूलना समझ रहे हो, लटकाए और डांस करना चालू, पेड़ पे जाली पे, या फिर नदी उदी में वेल मछली बनने की कोशिश करने लगते हैं, कूद पड़ते हैं, है ना, नदियों में। ये तो मैं सब थोड़ा सा फनी टाइप में यूज कर रहा हूँ ताकि जो इतना गंभीर मामला है थोड़ा सा हल्का हो सके। कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए झुलना झुलने के चक्कर नहीं पड़ना है, मतलब लड़खाना लड़ाना नहीं है, और भाई जीवन रहेगा तो आप हर समस्या से लड़ जाओगे, गिर जाओगे और जीत कर वापस लौटोगे। तो कभी भी ऐसे रॉन्ग थॉट्स किसी घर में नहीं आने चाहिए, बस आप लड़ते रहो, एक ना एक दिन मंजिल मिल गए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी बाई चांस, है? अब बस ये चाहूंगा कि आज से 10-15 बार मेरी मुलाकात आपसे हो जाए या कि आपके टीचरों से मुलाकात होगी ही होगी।
टीचर गर्ल से फूल उठे। आइए मौका आपको देना है, ये जिम्मेदारी आपको मैं सौंप के जा रहा हूँ। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।